अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हमदर्द पब्लिक स्कूल। ओके, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टेक आउट योर इस्लामियत बुक, पेज नंबर 10, अरकान इस्लाम। तो हमारे पास अरकान इस्लाम कितने हैं? हमारे पास अरकान इस्लाम 5 है, ठीक है। कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ठीक। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, हम लोग अब कर चुके हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब भी हमें पता है। इससे हमने मुसलमान, हर मुसलमान आपस में जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करते हैं, और पहले सलाम करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, फिर हम जो हम याद कर चुके हैं और जो हम रोज़ रिवाइज़ करते हैं वो है पहला कलमा, सूरह इख़लास, अल्लाह ताला के प्यारे नाम, खाना शुरू करते वक्त की दुआ, दूध पीने के बाद की दुआ, सोते वक्त की दुआ, और हमारे पास कुछ सवाल जवाब थे। फिर हम नमाज की तरफ आए थे कि नमाज, कितनी नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं उनके नाम तरतीब से याद करने हैं। इस्लामी आदाब, यानी कि हमें तस्मिया कब पढ़नी चाहिए, हमें तस्मिया हर काम शुरू करने से पहले पढ़ना चाहिए। और तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब छींक आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पढ़ना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें अल्लाहु अकबर, और सीढ़ियाँ उतरते हुए हमें सुभान अल्लाह पढ़ने की एक आदत बना लेनी है, ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किए हैं, बट इसको भूलना नहीं है, इसको रोज़ रिवाइज़ करना है आप लोगों ने। ओके, हमारे शेप्स नेम जो हमारे पास डन हो चुके हैं। और इन्हें आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये पार्ट्स भी आप लोग को अच्छे से याद हो गए हैं, वेरी गुड। ओके, फिर हम आते हैं अपने सीजन्स। तो सीजन्स भी आप लोग को पता है कि 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेज़ की तरफ। तो इसमें हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद करना है। और फिर हम मंथ्स की तरफ आते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 मंथ्स जो हैं आपको याद करना है। उर्दू कायदा में आ जाएँ, और अलिफ से लेके ज़ुआत तक, क्योंकि हम कर चुके हैं तो हमें इसे बहुत अच्छे से याद करना है। हमें इसकी उर्फ तहजी की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और इसकी वोकैबुलरी हमें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि अलिफ से क्या आता है, बे से क्या आता है, पे से क्या आता है। तो ये आपका मैं सरप्राइज़ टेस्ट ले सकती हूँ कभी भी, तो आपने इसको रोज़ याद करना है, ठीक है। अब हम आते हैं फ़ोनिक लैंग्वेज की तरफ। पेज नंबर है 109 एंड 110, ठीक है, 109 और 110। ये हमारे पास लेटर है, इसे हम एफ़ नहीं पढ़ते, इसे हम फा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हमने दांतों के नीचे ज़बान अपनी दबानी और पढ़ना है फ्लैग, फ्रूट्स, फ्लावर, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, फैन, फ्रॉग, फॉक्स। ओके, तो ये आपको लेटर विथ वोकैबुलरी आप लोग को ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, और इसी में हम जो हमने काम किया है और इसकी हमने प्रैक्टिस की है, इसे हमने बहुत अच्छे से याद किया है, और ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोग को। ओके, इंग्लिश की बुक में ही आपको जो मैंने आज क्लास पर करवाया था 115, ठीक है, 115 आपको मैंने क्लास पर करवाया था, और इसमें सर्कल द पिक्चर्स ओनली। ओके, आपने जो ये इस लेटर से जो स्टार्ट होंगे आपने उस पिक्चर को सर्कल करना है। और पेज नंबर 116, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, ज्वाइन टू मैचिंग पिक्चर्स ओनली। ओके, तो ये आपका इंग्लिश की बुक का क्लास वर्क है। ओके, मैथ्स की कॉपी, तो हमने मैथ्स में सबसे पहले 6 हमारे जो हैं हो चुके हैं बहुत अच्छे से शेप्स। तो ये शेप मैं आपको दे रही हूँ, सिलेंडर, ठीक है।
ओके, सिलेंडर लाइक मग एंड सेवन अप. देखिए आप इनका शेप बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे सिलेंडर शेप में ही शामिल होंगे. ओके ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मैच एंड कलर द ऑपोजिट. अच्छा, हमने इसको कलर नहीं करने, हमने इसको मैच नहीं करने, या आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए सामने पिक्चर दी है कि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हैप्पी एंड सैड, ओपन एंड क्लोज. ठीक है, इसी तरह हमारे जो एक्शन वर्ड है वो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ओके, अब हम आते हैं अपने मैथ्स वर्क की तरफ. तो मैथ्स में जो हमने काम आज हमने क्लास में जो काम किया है वो है पेज नंबर 72, काउंट द फॉलोइंग यूनिट्स. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 10, आपने इसको ऐसे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन विदाउट एनी हेल्प आपने ये लिखना है. ठीक है, और पेज नंबर 73, काउंट अलाउड एंड ट्रेस द नंबर्स इन सीक्वेंस. ठीक है, ये आपको मैंने इस पेज नंबर 73 आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ. ओके, तो ये आपने बहुत अच्छे से काम करना है और याद करना है. ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़.